Here we will discuss about some other properties of light. Number one is light travels much faster than sound. अब अगर हम light की बात करें तो light भी एक energy है, sound भी आपके पास एक energy है, लेकिन light की speed as compared to sound क्या है, ज़्यादा, तो ये तेज़ी से move करेगी. For example, thunder and lightning start at the same time, but we will see the lightning first. आपने अक्सर देखा होगा कि जब बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है तो क्या होता है, सबसे पहले आपको लाइटनिंग ऑब्जर्व होती है और उसके बाद आप बादल के गरजने की आवाज़ सुनते हो. लाइटनिंग क्या है? लाइट है ना, तो लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है और ये बहुत तेज़ी से जो है वो ट्रेवल करती है, तो इसलिए आपको सबसे पहले लाइटनिंग ऑब्जर्व होती है और उसके बाद आपको उसकी थंडर सुनाई देता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ व्हेन वी स्टार्ट पिस्टल इज फायर्ड वी सी द स्मोक फर्स्ट एंड देन हियर द बैंग. जब हम जो है वो पिस्टल को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके फायर, उसकी चमक जो है दिखाई देती है. ये पिक्चर में देख रही हूँ ना, सबसे पहले उसकी चमक दिखाई देगी और बाद में उसकी आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि अभी हमने कहा कि लाइट ट्रेवल मच फास्टर देन साउंड. शेडोज, हाउ आर शेडोज फॉर्म्ड? शेडोज आर प्लेस वेयर लाइट इज ब्लॉक्ड. अब होता क्या है, शेडोज कैसे बनते हैं, कि आपको पता है कि लाइट जो है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में. अगर आप लाइट के रास्ते में किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को रख दो तो लाइट का रास्ता तो ब्लॉक हो जाएगा ना, लाइट चूंकि ओपेक ऑब्जेक्ट्स में से जो है वो पास नहीं करती, तो वो क्या बना देगी, इट फॉर्म्स शेडो. अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने बहुत सारी लाइट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था. यहाँ पर उसकी कुछ जो है वो समरी दिखाई दे रही है आप लोगों को, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन. नंबर वन इज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स. नंबर टू इज लाइट ट्रेवल मच फास्टर देन साउंड. वी सी थिंग्स बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट इन टू आर आईज. शेडोज आर फॉर्म वेन लाइट इज ब्लॉक बाय एन ऑब्जेक्ट. होप सो कि आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट जो है वो समझ आ गई हो.